दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चली आपकी तैयारी? तो छुट्टी पे हूँ इसलिए थोड़ा सा दाढ़ी बढ़ गया है, इस पर आप लोग ध्यान नहीं देंगे, कमेंट नहीं करेंगे। हाँ, बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, बीपीएससी मेंस के बारे में काफ़ी लोगों ने पूछा था, तो पेपर वन, जीएस पेपर वन के बारे में मैंने बताया था। देखिए, जो मेरा अनुभव है मैंने आपको शेयर किया था, वो स्ट्रिक्टली यदि आप फॉलो करेंगे तो 100% आप मतलब एग्ज़ाम पास करने के करीब रहेंगे। अदरवाइज आप अभी रिजल्ट वगैरह नहीं आया है, लगातार इधर उधर क्या करना है कैसे करना है इन सब चक्करों में पड़ेंगे तो रिजल्ट नहीं होगा। हम लोगों ने खुद इस चीज़ के भुक्त भोगी रहे हैं। बहुत सारा स्टडी मटेरियल, बहुत सारी चीज़ों को यदि आप फॉलो करेंगे लास्ट तक खोजते रह जाएंगे, कुछ फ़ायदा होगा नहीं, है ना। यदि हमारे अलावा है, मतलब मैं भी ऐसा नहीं हूँ, बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे मतलब टॉपर्स के इंटरव्यू हैं, किसी का भी एक आपको सूट करता है उसको फॉलो कीजिए और उस पर काम करिए। बीपीएससी के लिए इतना काफ़ी है, उसमें आपका रिजल्ट हो जाएगा, है ना। एटलीस्ट आप मेंस क्लियर करेंगे। अभी थोड़ा सा डायनेमिक हो गया है, पेपर वन टू ऑप्शनल भी, लेकिन आप यदि स्ट्रिक्ट मटेरियल पे को फॉलो करते रहेंगे तो रिजल्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। अदरवाइज इधर रोमिंग रोमिंग करने में, अब पेपर वन के बारे में मैंने बता दिया था उस दिन, पेपर वन मैंने लिख के समझाया था, मैंने बताया था कि एक दिन पेपर टू भी डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा टाइम लग गया तबीयत खराब होने की वजह से। लेकिन देखिए, मैंने पेपर टू का पूरा एक फ्रेमवर्क ढांचा तैयार कर लिया है। देखिए, पेपर सीधे टू द पॉइंट बात करते हैं, पेपर टू के बारे में। हाँ, भी 300 नंबरों का है, पेपर वन के तुलना में इसमें मार्क्स थोड़े से कम आते हैं क्योंकि ये डायनेमिक है, लेकिन फिर भी इसमें इतना कम नहीं आ जाना चाहिए कि सिलेक्शन से आप बाहर हो जाएं। इसमें जो पहला पोर्शन है पॉलिटी का है, भारतीय राज्य व्यवस्था का है, 3 प्रश्न होते हैं। दूसरा सेक्शन है अर्थव्यवस्था का है, भूगोल का है, करंट से भी जोड़ के देता है, बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार का भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, ऐसे करके इसमें 3 प्रश्न होते हैं। और जो दो लास्ट होते हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होते हैं, उसमें 2 प्रश्न होते हैं। तो सेम वही 38 38 के 3, 38 38 के 3 और 36 के 2, दोनों मिला के हो गए 300, 3 पेपर। इसमें 5 प्रश्न आते हैं, जैसे पेपर वन में हिस्ट्री में 6 प्रश्न जनरली दिए रहते हैं, लेकिन यहाँ 5 भी होते हैं और 4 भी होते हैं, 4 में जिसमें आपको 3 करना होता है। तो कुछ कुछ ऐसी, सबसे पहले बुक लिस्ट की बात कर लेते हैं। पॉलिटी के लिए आपको एक सार्थक संवाद की बुक आती है, मैंने आपको पहले दिन वो बुक दिखाया था। सार्थक संवाद की बुक को यदि आप फॉलो करते हैं, लक्ष्मीकांत भी फॉलो कर सकते हैं, बट सार्थक संवाद स्पेसिफिक बिहार पीसीएस के मेंस के लिए लिखा हुआ है और उसमें उसी हिसाब से टॉपिक दिया हुआ है। जो लक्ष्मीकांत वाला है वो फैक्ट वगैरह के लिए ठीक है, बट उसको थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी में जोड़ के सार्थक संवाद के सर्वेश कुमार के बुक से दिया गया है। और आप विजन का जो 365 का मैगजीन है, मंथली मैगजीन आता है, उसको फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि करंट में क्या है, ठीक है। 5 में से 3 प्रश्न, 4 में से 3 प्रश्न। देखिए, टॉपिक जैसे होता है ना, 3 टाइप से टॉपिक हैं कुछ, जैसे आर्टिकल 1 से लेकर 50 51 तक में जो है मूल अधिकार हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, मूल कर्तव्य हैं, प्रस्तावना है, ये 3 4 ऐसे टॉपिक है ना जिससे एक टॉपिक हर बार बनना ही है। अब इसको इसमें करंट से जोड़ के पूछे या फिर मतलब ऐसे ही, लेकिन इससे रिलेटेड जितने आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे, इसमें 1 प्रश्न इन 4 टॉपिक से होता है, मूल अधिकार से, प्रस्तावना से, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य से, संविधान के, जो इसमें करंट यदि जोड़ा जा रहा है तो ठीक है, बट ये 4 एक करेंगे आप बढ़िया से तो आपका 1 प्रश्न हो जाएगा। दूसरा कार्यपालिका में है, इसमें मेनली कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो करेंट से जुड़े हुए होते हैं, उसको कंटेम्प्ररी करेंट से जुड़ के मतलब उस पोर्शन के बारे में पूछा जाता है। जैसे उस समय जब हम लोग एग्जाम दे रहे थे तो राज्यपाल की भूमिका पे सवाल उठ रहे थे, कहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना है नहीं लगाना है, इस तरीके को लेके तो राष्ट्रपति राज्यपाल से प्रश्न पूछा था। तो देखिए, क्वेश्चन इसमें मेन मेन टॉपिक मैं 5 6 टॉपिक बता रहा हूँ, इसमें से 1 प्रश्न आएगा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, चुनाव आयोग, प्रेशर ग्रुप, केंद्र राज्य संबंध, इसमें राष्ट्रपति राज्यपाल के अलावा मुख्यमंत्री भी हो सकता है जो चर्चा में है। तो ये 7 8 टॉपिक हैं, प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें से आप 1 प्रश्न को यदि सॉल्व करेंगे तो आपका 1 प्रश्न इसमें से डन है, इतना में से आ जाएगा। तीसरा सेगमेंट होता है बिहार से रिलेटेड होता है, बिहार में जैसे इसमें टॉपिक है बिहार की राजनीति में धर्म, धर्म में राजनीति, बिहार में चुनाव, बिहार में चुनाव में जाति की भूमिका, बिहार में आरक्षण, स्थानीय सरकार, ये जो है बिहार से रिलेटेड है। सार्थक संवाद के पुस्तक के अंतिम पेज पे देखेंगे तो आपको 20-25 पेज में सब मिलेगा एकदम फैक्ट वाइज। तो ये करिएगा 3 सेगमेंट में बांट के, पहला जो मैंने 1 से आर्टिकल 50 तक के बारे में बताया, वहाँ से 1 प्रश्न, कार्यपालिका से संबंधित 1 प्रश्न, और 1 प्रश्न रहेगा बिहार से, यही सब में।
तो ये तीन स्तरों पे काम करेंगे प्रीवियस ईयर को करके, तो आपका ये तीन प्रश्न बनाने के लायक हो जाएंगे। तीन टाइप से आते हैं, तीनों अब थोड़ा सा करंट अपडेटेड हैं, जैसे चुनाव आयोग से संबंधित आ रहा है, दल बदल से आ रहा है, तो फिर कुछ ऐसा प्रश्न आएंगे जो अभी के मतलब दल बदल हो सकता है, भारत का चुनावी प्रक्रिया का मतलब ये उतार चढ़ाव कैसा है, प्रारूप कैसा है, बिहार में क्या सीन है, सब पूछ सकते हैं। तो आप इसको यदि प्रीवियस ईयर को देखेंगे और मतलब किसी भी मैगजीन को देखेंगे तो आपको जो करेंट रिलेवेंट इशू लगेगा उसको इससे जोड़ के कर सकते हैं। बुक विजन के मैगजीन को, 365 को, और एक सार्थक संवाद की पुस्तक आती है सर्वेश्वर का, उसको, पॉलिटी की अलग से आती है, उसको फॉलो कर लीजिएगा। अब दूसरा सेगमेंट है अर्थव्यवस्था और भूगोल, ये सबसे टफ सेगमेंट है, सबसे टफ। और इसके लिए बहुत सारे बुक, करेंट अफेयर्स के मैगजीन और ये सब जो रेगुलर न्यूज़पेपर वगैरह लोग पढ़ते हैं उनके लिए आसान होता है ये, मतलब ना यूपीएससी टाइप का है। इसमें आपको फैक्ट जब याद रहेगा तभी आपका आंसर बहुत बढ़िया हो पाएगा, है ना। जैसे इसमें कोई स्पेसिफिक बुक काम नहीं करेगा, इसमें आपको क्या करना होगा कि करंट का कोई मैगजीन है, जैसे विजन का है, दृष्टि का है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर का टॉपिक आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, इसके प्रश्न प्रीवियस ईयर जरूर देख लीजिएगा कि पता चल जाए कैसे पूछता है। इसमें विजन मैगजीन का 365 ले लीजिएगा। और सार्थक संवाद की इकोनॉमी भी आती है, उसमें सार्थक संवाद में जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर है, ये सब खाद्य सुरक्षा है, WTO है, ये सब उसमें बढ़िया से दिया हुआ है बिहार के परिप्रेक्ष्य में। पिछली बार में था, अभी अपडेटेड होके आएगा, तो वो ले लीजिएगा। दो बुक मैंने बता दी, इसमें टॉपिक कुछ मैं बता दे रहा हूँ, जैसे खाद्य सुरक्षा, WTO, रोजगार, कृषि की समस्या, आर्थिक विकास के कारक, जननांकी लाभांश, क्षेत्रीय विकास, उद्योग, बिहार में उद्योग, निर्धनता, जनसंख्या, बेरोजगारी, इन सब चीज़ों पे आप 10-10, 20-20, 25-25 फैक्ट तैयार कर लीजिए, आंसर लिखने का ढांचा सीख जाइए। तो आप किसी भी आंसर में ये सब सारे फैक्ट को पुट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा वर्सेटाइल है, इकोनॉमी का बुक पढ़िए और एक मैगजीन पढ़िए, इससे आपका हो जाएगा। अगला है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के दो प्रश्न आते एकदम लेटेस्ट ट्रेंड पे होते हैं, जैसे GM क्रॉप पे हो सकते हैं। उस समय हम लोगों के समय इसरो के स्पेस मिशन पे पूछा था जब मैंने लिखा था, तो जो ट्रेंड में चल रहे होते हैं उस पर पूछा जाता है। लेकिन आपको बेसिकली 8-10 टॉपिक तैयार करना है, उसके जो मतलब 20-25 फैक्ट हैं आप तैयार कर लीजिए, और जैसे जो प्रश्न पूछ रहा है प्रश्न के हिसाब से उसमें उस फैक्ट को पुट कर दीजिए, ठीक है। इसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट का मैगजीन देखना है, इसमें कुछ ऐसा नहीं आता। बाकी मैं देखिए टॉपिक इसमें बता दे रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के टॉपिक को, नाभिकीय ऊर्जा, भारत का स्पेस मिशन, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण उसके प्रकार पूछता है हमेशा, ऊर्जा, ऊर्जा की जरूरत, इसरो मिशन के बारे में, मून मिशन, कचरा प्रबंधन, ऊर्जा संभावना, कंप्यूटर तकनीक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, कुछ ऐसे टॉपिक जैसे DNA के बारे में पूछ देंगे। DNA सबको थोड़ा बहुत पता होता है, लेकिन 300-400 सब के लिए आप उसके लिए जगह नहीं ये कर पाओगे। ग्राउंड वाटर के लिए, जल संसाधन, ग्राउंड वाटर लेवल, DNA, IT देखिए लिखा था, और बाकी जो अभी के करेंट टॉपिक हैं। तो इसमें मैंने लगभग 40 टॉपिक को मेंशन किया है, इसमें से कुछ हर जो टॉपिक मैंने बताया है उसके 10-10 पॉइंट, 20-20 पॉइंट आप यदि जो डाउन कर लेते हैं तो आपको हेल्प मिलेगा। आप इधर उधर जहां से भी इसके अलावा भी यदि आप देख रहे हैं तो वहां से पॉइंट एक कर लीजिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। बस पॉइंट और क्वेश्चन के चक्कर में मत रहिए, नहीं तो रिजल्ट लिखिए, लिखना ही सबसे इसका मतलब मेन फंडामेंटल है एग्जाम पास करने का, मेंस पास करने का। तो ये रहा पेपर टू का, कुछ और छोटी छोटी जो बातें होंगी उस पर डिस्कस करेंगे। इसको मैं द एग्जाम पोर्टल के टेलीग्राम पे स्कैन करके डाल दे रहा हूँ, जो लोग अगर यूज़ करना चाहते तो, अदरवाइज ठीक है। बाकी लोग तो यहाँ महानुभाव लोग भरे ही हुए हैं, आप अपनी तैयारी को मतलब एक जगह स्थिर होकर करिए, फायदा होगा। जय